परासिया जनपद इस वक्त भगवान भरोसे चल रहा है। परासिया जनपद सीओ को दो जगहों का प्रभार होने के कारण सचिवों के साथ हितग्राहियों को उनका इंतजार और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सीओ का कोई पता नहीं रहता कि वे कहाँ हैं। परासिया जनपद पंचायत की सीओ को परासिया के साथ जुनारदेव जनपद का भी प्रभार दिया गया है, जिसके चलते दोनों ही जनपदों का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। दूर दूर से आने वाले ग्रामीणों के साथ सचिवों को भी इंतजार करना पड़ता है। दोनों ही जनपदों के हितग्राही सचिव और अध्यक्ष जब भी दूरभाष से संपर्क करते हैं तो सीओ द्वारा गुमराह कर दिया जाता है और हितग्राही सचिव और अध्यक्ष उनका इंतजार करते रह जाते हैं, जिसके कारण सरकार की योजनाओं का लाभ न ही हितग्राहियों को मिल पा रहा है और न ही गाँव का विकास हो पा रहा है। परेशानी तो बहुत सारी सामना करना पड़ रहा है मुझे भी और यहाँ आने वाली जनताओं को भी, क्योंकि यह मुख्य कारण है यहाँ की जनपद सीओ। जनपद सीओ नहीं आने के कारण यहाँ जनता भटकती है, ना ही यहाँ बैठने की व्यवस्था होती। जो रूम उन्होंने खुलवाया है बैठने की व्यवस्था, वहाँ ताला लगा हुआ होता है। मैडम के नहीं आने के कारण आम जनता जो भी आती, जैसे कि आज चार बच्चियाँ लौट कर जा चुकी हैं गांव की बेटी के फार्म में साइन कराने के लिए, और भी महिलाएं आई हैं, वो सभी परेशान हो रही हैं। मेरी बेटी के लिए सहायता मांगने के लिए आई हूँ, 2.5 लाख का हो जा, और उसकी बेटी है उसके लिए राशन कार्ड के लिए आई हूँ मैं। उसको हर चीज़ में लगेंगे राशन कार्ड, मेरे को राशन कार्ड चाहिए, और 2.5 लाख का हो जाएगा तो वो कोई धंधा करेंगी, कोई भी कपड़े का व्यवसाय करेंगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।